जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। 5 फरवरी से ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देवताओं के जो सेनापति मंगल ग्रह हैं, मंगल ग्रह का 5 फरवरी को रात्रि 9:30 बजे के बाद अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जब मंगल ग्रह प्रवेश करेंगे तो ये पूरे 28 दिनों तक मकर राशि में रहेंगे, यानी 14 मार्च तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहने वाले हैं। ये प्रभाव मिथुन राशि के जीवन में कैसा रहेगा, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पर मैंने जन्म पत्रिका निर्माण किया है, जहाँ पर 3 अंक है वो आपकी राशि मिथुन राशि है, और आपकी राशि से अष्टम भवन में जहाँ पर 10 अंक लिखा, वहाँ पर मंगल ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। मंगल ग्रह को 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से मंगल ग्रह आपके लाभ भवन को देखते हैं, और सातवीं दृष्टि से आपके धन भवन को देखते हैं, और आठवीं दृष्टि से मंगल ग्रह आपके पराक्रम को देखते हैं। आपके जीवन में, मिथुन राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे? आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, क्योंकि मंगल की एक राशि आपके लाभ भवन में बनी हुई है और दूसरी राशि आपके छठे भवन में बनी हुई है। मंगल अष्टम में इतना अच्छा फल तो नहीं देते हैं, लेकिन मंगल जो है अपनी उच्च राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, और साथ में मिथुन राशि वालों के लिए एक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी छठे, आठवें और 12वें भवन का मालिक इन्हीं ही भवन में बैठ जाता है, छठे, आठवें और 12वें भवन में बैठता है, तो विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विपरीत नामक राजयोग का निर्माण हुआ है। छठे भवन का मालिक आपके अष्टम भवन में बैठे हुए हैं, तो विपरीत नामक राजयोग है। तो ये योग भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, यानी कि आपकी विपरीत परिस्थितियों में जब आप उलझन में फंसे हुए होंगे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है या आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उस समय मंगल ग्रह आपको राहत देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके रुके हुए कामों को बनाएंगे। आप हताश होंगे, परेशान होंगे, उस समय आपकी मदद करेंगे। तो विपरीत राजयोग का यही फायदा होता है। तो लाभ के अवसर तो आपको मिलेंगे ही, मंगल ग्रह आपकी अपनी राशि मेष राशि को लाभ भवन में देख रहे हैं, तो लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, यानी कि व्यापार, रोजगार, नौकरी के साथ साथ अगर आप इन 38 दिनों में छोटे मोटे काम अलग से करते हैं तो लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन संपदा की वृद्धि के योग बनेंगे। साथ में धन भवन पर, कुटुंब भवन पर दृष्टि, वाणी भवन पर दृष्टि पड़ने से, वाणी पे तो कंट्रोल रखना ही रखना है आपने, वाणी को। वैसे मिथुन राशि वाले वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह को पावर मिल रही है, आपके अंदर गर्मी होगी, ऊर्जा होगी, तो वाणी में भी ऊर्जा बाहर निकल सकती है, इसलिए आपने क्रोधित नहीं होना है और वाणी से कुछ अच्छी बातें ही बोलनी है, क्लेश नहीं करना है वाणी के द्वारा। और धन की वृद्धि के योग बनेंगे, धन तो बढ़ेगा ही, मिथुन राशि वालों का लाभ के अवसर होंगे तो धन वृद्धि के योग बनेंगे, कर्जा भी कम होगा और शत्रु बाधा, जो भी शत्रु से आप परेशान हैं, शत्रु बाधा में भी आपको राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी। लेकिन हल्का फुल्का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी तो हल्की फुल्की रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अष्टम में मंगल ग्रह बैठने से यहाँ पर आपको रक्त विकार की समस्याएं दे सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले पहले से रक्त विकार की समस्याओं से परेशान हैं, उनको रक्त विकार की परेशानियां हो सकती हैं और थोड़ा क्रोध भी आ सकता है, तो वाणी पे कंट्रोल रखना है। वैसे कुटुंब परिवार में भी आपने मतभेद की स्थितियां पैदा नहीं करनी है, क्रोध के द्वारा परिवार में भी थोड़ा मतभेद की स्थितियां आ सकती है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, नवीनता रहेगी, नए कार्य करेंगे, कुछ नया करके के जीवन में कुछ हासिल करेंगे, रुके हुए काम होंगे जो आपके, क्योंकि नवीनता आपके अंदर आएगी, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, तो आपके जीवन में जो रुके हुए काम थे वो काम कहीं ना कहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह अष्टम में बैठ के स्वास्थ्य के खराब परिणाम देंगे तो आपके लिए कुछ गलत ही होगा, ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो रिसर्चकर्ता वाले हैं,
जो साधना करने वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सेना में हैं, जो पुलिस में हैं, जो लाइट का काम करते हैं, जो हार्डवेयर का काम करते हैं, ईंट ईंट का काम करते हैं, या आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनको लाभ होगा। जो इंजीनियर हैं उनको लाभ होगा, सर्जन वालों के लिए, डॉक्टर जो हैं उनके लिए लाभ हो, रिसर्चकर्ताओं के लाभ है, जो साधना करने वाले हैं, जो हनुमान की साधना करते हैं पहले से मिथुन राशि वाले, साधना करने वालों के बहुत काम बनेंगे, क्यों अष्टम में मंगल ग्रह बैठने से साधन बढ़ेंगे आपके, साधना करने से आपके रुके हुए काम बनेंगे, और कर जा तो काम होगा ही होगा, क्योंकि विपरीत नामक राजयोग बना हुआ है, क्योंकि छठे भाव में जो है मंगल की ही राशि बनती है, गुप्त राशि बनती है, लेकिन आपने थोड़ा अपने काम, जितने भी काम होंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी काम बनेंगे आपके, लेकिन आपने थोड़ा मौन रहना है, मौन रह करके ही अपने काम निकालने हैं, और अपनी उपलब्धियों को, अपनी जो भी आपको काम, जितने भी काम बनेंगे, उपलब्धि आपको प्राप्त होंगी, उनमें आपने किसी को बताना नहीं है, थोड़ा छुपे हुए रहना है, मौन रहना है, तो लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम अफेयर लव लाइफ में थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी हल्का फुल्का तनाव रह सकता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भवन पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य भवन रोजगार में जो भी परेशानियां होंगी, अचानक जो परेशानियां आएंगी, उनमें परेशानी में आपको राहत मिलेगी। और मिथुन राशि वालों का संतान का योग भी बना हुआ है, देव गुरु बृहस्पति ने संतान का योग भी बना रखा है, साथ में धन वृद्धि के योग बने हुए, लाभ के अवसर देव गुरु बृहस्पति भी दे रहे हैं, मंगल भी आपको दे रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात है, आपने इन 28 दिनों में कुछ नया काम करना है, और नया काम करके आप अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं इस योग में। प्रिय दर्शकों, उपाय आप कर लीजिए, आपके लिए उपाय मंगल के दान करिए। अगर आपको रक्त विकार की समस्या होगी या पहले से है, बीपी की समस्या है, तो आपने पहले ही आप गुड़ का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें, तांबे का दान करें। अगर आपको लाल बैल मिल जाए तो उसके सिंह पर, अगर सिंह पे हाथ न लगा सके तो उसके जो कंधा होता है उस पे आपने तेल की मालिश करनी है। अगर आप तेल लगा देंगे मंगलवार के दिन बैल पर, तो कहीं ना कहीं रोग जो है आपके दूर होंगे। हनुमान जी की नित्य मंगलवार के दिन सेवा करें, सूर्य को अर्घ देना न भूलें, और देव गुरु बृहस्पति के लिए, क्योंकि आपके देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं, आपके लिए बहुत फायदा लेके आ रखे हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आपने लक्ष्मीनारायण भगवान के दर्शन करना न भूलें। हो सके तो आप श्री सूक्त का पाठ नित्य करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।